नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। ज्ञानवापी मस्जिद में जो वायरल वीडियो में दिख रहा है वो शिवलिंग है या एक फव्वारा, ये वो सवाल है जो कल से पूरे देश में गूंज रहा है। ये वो सवाल है जो 350 साल पुराने ज्ञानवापी विवाद में सबसे अहम बन चुका है। शिवलिंग या फव्वारे की इस बहस में अब आगे क्या होगा? वो शिवलिंग है या फव्वारा, इसकी सच्चाई बाहर कैसे आएगी? क्या कोर्ट इस सच्चाई को सामने लाने का रास्ता बताएगी? सवाल पब्लिक का आज यही है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग या फव्वारे की इस बहस में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को आदेश दिया है कि जहां शिवलिंग मिलने का दावा है उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि मुस्लिम पक्ष पर ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की अदालत में चल रही सुनवाई पर भी किसी तरह की रोक लगाने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के पक्षकारों को नोटिस देकर 19 मई की अगली तारीख दे दी है। लेकिन क्या पब्लिक, क्या धर्मगुरु, क्या मौलाना हर बोल रहे हैं? कोई शिवलिंग बता रहा है, कोई फव्वारा। सुनिए आज ये सब क्या कह रहे हैं। अब सच्चाई क्या है सर, वो तो कोर्ट कल वीडियोग्राफी भी हुई है सर, उसमें क्या साक्ष्य होता है तो अब कोर्ट ही फाइनल करेगी सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, देखिए शिवलिंग तो मिलना ही था। पहले भगवान राम आए, भगवान शिव आए, अब भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उसमें कोई भी शंका नहीं। फव्वारा नहीं है, कांग्रेस की तो वैसे ही स्कूल टिकी रही है क्योंकि विचारधारा वैसे ही मतलब हिंदू विरोधी रही है। हिंदुस्तान में जितने भी विवादित स्थल हैं उन विवादित स्थलों पर हिंदू प्रतीक चिन्ह जितने भी मूर्तियां अभी आज की तारीख में स्थापित है उनकी सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा सुरक्षा अति शीघ्र की जानी चाहिए। मेरे बाबा आ गए हैं, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है हमें। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का सीधा मतलब यह है कि वो अभी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के दावों को परख रहा है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कयामत की बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा देना चाहिए। सुनिए ओवैसी का ये बयान। द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट इज कंप्लीटली रॉन्ग, अनफेयर, इलीगल, which we hope that Supreme Court on the next date of hearing will completely stay that order. Supreme Court ने in the impugn order कहा है। और एक बात याद रखिए, वजू करना जो है मुसलमानों में religious observance में आता है, तो वजू करने की इजाजत है इसमें। ओवैसी जैसे नेता अपनी दलीलों में 1991 के पूजा स्थल कानून यानी वर्शिप एक्ट का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ है कि वो ज्ञानवापी मामले को अपने नजरिए से देख रहे हैं। उधर वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से आज नई मांगे रख दी गई हैं। हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के सामने कहा है कि नंदी के सामने वाले तहखाने का मलबा और उसकी उत्तरी दीवार हटाकर कमीशन कार्यवाही करवाई जाए। शिवलिंग के पूरब की तरफ दीवार हटाकर शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापने के लिए कमीशन कार्यवाही का आदेश दिया जाए। ज्ञानवापी में मां के मंदिर जाने के रास्ते को खोलकर अंदर मंडप की कमीशन कार्रवाई पूरी हो। यानी हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में एक और सर्वे की मांग कर रहा है। वाराणसी कोर्ट ने इस मांग पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। उधर ज्ञानवापी में अभी तक जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है, लेकिन वाराणसी कोर्ट ने आज एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया। उन्हें कमीशन कार्रवाई की बातें लीक करने के लिए आज
हटाया गया है। तो आज सवाल पब्लिक का जो उठकर सामने आ रहा है, सवाल नंबर एक, क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद ज्ञानवापी में शिवलिंग होने का सच सामने आएगा? सवाल नंबर दो, क्या अयोध्या की तरह ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे कराने का आदेश दिया जाना चाहिए? और सवाल नंबर तीन, अगर मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग था तो ये हिंदू आस्था का अपमान है? आज यही सवाल पूछ रही है पब्लिक, और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं संजू वर्मा, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, साध्वी प्रज्ञा धर्मगुरु हैं, और महासचिव कांग्रेस पार्टी के और अखिल भारतीय संत समिति के हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, अजय वर्मा जी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, शोएब जमाई इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, शाहिद अली वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज मेरा पहला सवाल जाता है आचार्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी को, जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय संत समिति के। आचार्य जी, सीधा सवाल पूछना चाहती हूं आपसे, ये मामला इसके बीच में बंट के रह गया है कि ये शिवलिंग है या फव्वारा? कई मुस्लिम नेता कह रहे हैं, कई मुस्लिम पक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं कि ये एक फव्वारा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी इसे फव्वारा बताया है, लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है ये शिवलिंग। आप जानकार हैं इतिहास के भी, आप जानकार हैं किस तरह से नंदी जी शिवलिंग की तरफ देखते हैं, आपकी मान्यता किस पर है और इसके साक्ष्य क्या मिले हैं, या कोई हम लोग गलती तो नहीं कर रहे शिवलिंग बनाकर फवारे को, जो समझ रहे हैं जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं जो अगर 60 सेकंड में आप बता दें तो जनता आपकी कृतज्ञ होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहला वाक्य प्रयोग किया है शिवलिंग, औरंगजेब के द्वारा 19 अप्रैल 1669 को तोड़ने के फरमान के बाद। हम लगातार यह कहते आ रहे हैं कि हिंदू मंदिर के मलबे पर, उसके ध्वंसावशेष पर मस्जिद नुमा कुछ आकार दिया गया है, और बाबा विश्वनाथ एक अलग मुकदमा और भी है कोर्ट में जिसमें हमने इस शिवलिंग का जिक्र किया है, जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुकदमा है, 90 के दशक से चल रहा है। इसलिए यह कहना कि कोई नई बात हो गई, ये नई बात नहीं है। हमारी आस्था, आप बताएं दुनिया के किस मस्जिद के फाउंटेन के सामने महादेव का नंदी बैठ के प्रतीक्षा कर रहा है? ये कोई आस्था का ही सिर्फ प्रश्न नहीं है, यह ध्वंसावशेष के प्रश्न है। अभी आज एक फोटो कहीं से लीक होकर, जी बिल्कुल अजय फोटो जी, और वो शिवलिंग की फोटो है हमारे स्क्रीन पर। हुआ क्या जी, बोले आप आचार्य जी। आप खुद देख लें शिवलिंग के ऊपर, आप खुद देख लें शिवलिंग के ऊपर व्हाइट सीमेंट डाल करके एक चबूतरा बनाने की कोशिश हुई है। 12 फीट 8 इंची व्यास का शिवलिंग उसके छत पर, मतलब ऊपर के तरफ चबूतरा बनाने की कोशिश हुई है, और उसके ऊपर फाउंटेन रखने का प्रयास किया गया था, और ये 8 फीट की गहराई है, ये नीचे कहाँ तक शिवलिंग है? जब तक के पानी नहीं उतरेगा, मैं तो मुस्लिम स्कॉलर्स मुस्लिम प्रवक्ताओं से कहूंगा कि इस 12x14 के तालाब के पानी उतरने के साथ आपके चेहरे का भी पानी उतरा है, पूरी दुनिया ने देखा है। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो तुषार मेहता ने यूपी गवर्नमेंट के वकील के नाते एक वाक्य प्रयोग किया कि सर कल सुन लीजिए और फोटो मंगा करके देख करके कोई ऑर्डर पास कीजिए, इसका मतलब कि गंभीर साक्ष्य हैं, और जिन साक्ष्यों के आधार पे परसों 19 को सुप्रीम कोर्ट को सुनना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की पहली लाइन
शिवलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, इसे मुस्लिम पक्ष को और मुस्लिम स्कॉलर्स उनके सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को ध्यान में रख के ही कोई बात बोलनी चाहिए। शाहिद अली साहब जवाब दीजिए। देखिए मेरा तो सिंपल सी बात है कि हमारा मुल्क कानून से चलता है, संविधान से चलता है। हमारे मुल्क में कोडिफाइड लॉज हैं, लिखे हुए हैं, उसी में एक सीपीसी भी है जिसके तहत तमाम दीवानी मुकदमे या सिविल मुकदमे चलते हैं। उसकी दफा 11 में लिखा हुआ है, जिसमें रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई अगर बात का निस्तारण हो गया और जजमेंट फाइनल हो गया तो उस सब्जेक्ट मैटर पर दोबारा कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये बहुत मामूली सी चीज है और बहुत स्पेसिफिकली लिखी हुई है, लिखा हुआ है नो कोर्ट शैल एडजुडिकेट। 1937 में इस मस्जिद का, या जो आज क्लेम है कि साहब यहाँ पर मंदिर था, एक निपटारा उसका हो गया, जुडिशियल वर्डिक्ट आ गई, जुडिशियल वर्डिक्ट वो फाइनल भी हो गई। वाद नंबर 62 ऑफ 1936 दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स में ये चीज आ गई। तो उसके बाद में आज इसमें कोई मुकदमा नहीं चल सकता। इसके अलावा भूल जाइए 1937 की बात, पिछले साल भी इसी कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें कहा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया जाएगा, जिसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। इस ग्राउंड पे स्टे कर दिया कि साहब वहां पर 1991 प्रेसिव वर्शिप एक्ट है, इसलिए कोई सर्वे नहीं हो सकता। तो आज तो आपके 60 सेकंड खत्म हुए। आपको याद है वर्डिक्ट 1937 का, लेकिन आपको 1991 एक्ट में सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A याद नहीं है, जिसमें कहा गया है कि जो भी एंशंट आर्कियोलॉजिकल साइट हो उसको एग्जेम्पशन है 1991 के एक्ट में। तो अगर आप लॉ समझते हैं तो शायद ये भी समझते होंगे। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं सबके पास आऊंगी, शाहिद अली जी सबके पास आऊंगी। एक दलील आपने दी, एक दलील आप साध्वी जी की भी सुन ले। साध्वी प्रज्ञा जी, मैं पूछ रही हूँ कि इनको हर वक्त सिर्फ एक हिस्सा क्यों दिखाई देता है? सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर का वो हिस्सा दिखाई देता है कि जाके नमाज कर लीजिए, पर वो हिस्सा नहीं दिखाई देता जहां कहा गया है कि शिवलिंग की प्रोटेक्शन रहनी चाहिए और उसका पूरा वहां पर कॉर्डन होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी कोर्ट की है। यानी कि अभी क्लेम है, लेकिन क्लेम को भी तो माना गया है, तभी कहा गया है ना, लेकिन इनको ये फव्वारा नजर आता है, ऐसा क्यों? देखिए नविका जी, सबसे पहली तो ये बात है कि हम लोग कितने दिनों से, जब से ज्ञानवापी का मुद्दा आया है तब से हम कह रहे हैं कि हमारे देवी देवता वहाँ मौजूद हैं, और ये बात प्रमाणित हो चुकी है। अब चाहे वो फोटो लीक हुई है, कैसे भी हुई है, बट प्रमाणित हो चुकी है। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहूँगी कि हम पीपल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, मैं तीन मुद्दों पर यहाँ पर बात करती हूँ। हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, अगर उसमें हमारे धार्मिक चिन्ह मिले हैं, स्वास्तिक मिला है, ओम मिला है, कमल मिला है, अब मुझे ये बताइए क्या इसके बाद भी कोई प्रमाणिकता बाकी है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट उस पे आते हैं, सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट ये है, धार्मिक आस्था की बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां शिवलिंग है, इनको फव्वारा कैसे दिख रहा है? आप बताइए, शिवलिंग के ऊपर वजू खाना बनाना क्या भगवान शिव का अपमान नहीं है? ये तो साक्षात हमारे देवी देवताओं का अपमान है, और हमने तो इतना ही कहा कि उसे प्रोटेक्शन दे दीजिए, तो भी इन्हें गवारा नहीं है, क्या ये गलत नहीं है? तीसरी बात, भारत हिंदू मुस्लिम एकता का देश है, यहां पर लोग भाईचारे सौहार्द और प्रेम से रहते हैं, अगर ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? आप बताइए, हमारी भी तो धार्मिक आस्था का सवाल है। हिंदू आस्था और प्रमाण, कहीं इसके बीच में शोएब जमाई जी ये सारा मुद्दा रह गया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि फव्वारा कहना क्या ये भड़काऊ नहीं है? अगर आप ये कहें कि मामला निलंबित है कोर्ट में और ऑर्डर आ जाने दीजिए, मान सकते हैं, लेकिन ये शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। अरे अभी तक तो आस्था की बात पर ही चल रहा है ना, क्योंकि कोर्ट का तो ऑर्डर आया नहीं। आस्था पर लात मारने से क्या मुस्लिम पक्ष को कुछ खास मिल रहा है, हासिल हो रहा है? देखिए नाविका जी, यथास्थिति ये बरकरार थी कि जो मस्जिद में नमाज अंदर हो रही थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नमाज होती रहेगी। लोअर कोर्ट ने कहा था 20 आदमी की रेस्ट्रिक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खत्म किया, कहा नमाज। दूसरी, किसी को नहीं मालूम था कि वहाँ पे वो वजू खाना के पास में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है
कोई हिंदू पक्ष आज से पहले कभी नहीं, पहली बार सुनिए सुनिए, ये आप जिसका दावा कर रही हैं वो कोई लीक नहीं है, ये वीडियो बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है, ये देखिए, ये वीडियो बहुत पहले से चल रहा है कि हर महीने एक बार हौज की सफाई होती है और वहाँ पे कई लोग आते हैं। आपको पता है उस वधू खाने के पास अक्सर आसपास के हिंदू भाई, अक्सर आसपास के रहने वाले जो पुलिस वाले वहाँ पे आसपास सुरक्षा में रहते हैं, वो आते हैं हौज खाने पे, आते हैं और चले जाते हैं, उसमें हिंदू भी रहते हैं। जब भी सफाई हुई है वहाँ के सेक्रेटरी साहब ने, यासीन भाई ने कहा कि वहाँ आसपास के हिंदू भी रहते थे, तो क्या वो हिंदू भाइयों को वहाँ पे वो शिवलिंग नहीं दिखता? अगर वो कभी दिखता, वो एतराज करते उस पर, तो वो खाना खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं था। ये आपने जब वहां पे चीजें अभी पानी हटा के देखा तो आप कह रहे हैं एक फाउंटेन का जो आधा हिस्सा है जिसको हम जो हैं, आपके साथ आपने आपके 60 सेकंड हुए समाप्त, लेकिन मैं आपने आपने जो कहा उस पर मेरे दो सवाल हैं, और मैं सवाल नंबर वन, आप कह रहे हैं ये पुराना वीडियो है जी, कब से है ये पुराना वीडियो? है लगभग यहाँ से 3 से 4 महीने पुरानी है, 3 से 4 महीने पुरानी। तो मुस्लिम पक्ष के वकील साहब को आप ब्रीफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो वीडियो लीक हो गया, हाय तौबा वीडियो लीक हो गया, हाय तौबा वीडियो लीक हो गया। अरे तो ये तो 4 महीने से इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है, तो पहली बात के वीडियो लीक नहीं हुआ, ये पहले से चल रहा है, आप मानते हैं हाँ या ना? भाई, हाँ या ना भाई, ये हाँ सफाई का वीडियो नहीं, है। नहीं सफाई का नहीं, आप मुझे बताइए ये सफाई का वीडियो है या धुलाई का वीडियो है या चमकाई का वीडियो है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। ये वीडियो उस जगह का है कि नहीं है? जी उसी का है। ओके, और ये पहले से सोशल मीडिया पे है? पहले से है। चलिए तो लीक नहीं हुआ, लीक नहीं हुआ, तो यही तो नहीं हुआ, मैं कहां कह रहा हूं लीक हुआ? ओके, तो आपके मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं लीक नहीं हुआ। दूसरी बात, दूसरा सवाल तो पूछ लेने दीजिए, घबरा क्यों रहे मेरे भाई? भाई साहब पूछिए ना, अगर ये 3-4 महीनों से चल ही रहा था, ये वीडियो घूम ही रहा था, और आप कह रहे हैं कि तब से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई साहब तभी सोच लेते अपने जरा हिंदू भाइयों के बारे में कि क्यों तौहीन कर रहे हैं आप, मुझे उनकी आस्था की, क्योंकि उनकी आस्था के जो केस चल रहे हैं वो आज से नहीं, मुझे आप बोलने देंगे? 70 सालों से चल रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं ना, आपने भाषण देना शुरू, अब मैं जवाब, अरे जवाब तो देने दीजिए, उन्होंने सवाल पूछा है, इतनी बड़ा अहम सवाल, मुझे ये बताइए ये सफाई हर महीने होती है, इस किसी महीने की सफाई का एक वीडियो है, वहां सीआरपीएफ भी होती है, पुलिस वाली भी होती है, इसी वीडियो में सीआरपीएफ के जवान भी दिख रहे हैं, पूरा वीडियो चलाइएगा, पुलिस के जवान भी दिख रहे हैं आसपास वजू खाने के, क्या सीआरपीएफ और पुलिस वालों को नहीं पता है? क्योंकि उनको पता था कि ये शिवलिंग नहीं है बल्कि एक जनरल फाउंटेन का आधा स्ट्रक्चर है, जो वहाँ पानी हमेशा होती थी, इसी वजह से क्या हमारे हिंदू भाई वहाँ नहीं जाते? क्या ज्ञानवापी मस्जिद? संजू वर्मा जी, एक मिनट, संजू वर्मा एक आडंबर खड़ा किया, जिसको आप मोहर बना रहे हैं, तो यही तो मैं साबित करना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी आडंबर में आ गया, वाराणसी कोर्ट भी आ गया, आप नहीं आए आडंबर में, जो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि भाई ये वीडियो तो नया है, लीक हो गया, हाय तौबा हमारे साथ लीक कर दिया, ये क्या कर दिया, कॉन्स्पिरेसी हो गया, जाके देखिए दलीलें सुन लीजिए, लीक क्या कर दिया, लीक की बात नहीं हो गया, आपने सुना नहीं, लीक की नहीं है, उन्होंने कहा कि भाई जब तक ऑर्डर, जब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हो गई थी उसके बगैर आप भाई तो रिपोर्ट में क्या है, आपको कैसे पता, सारे दुनिया कह रही है कि लीक हो गया, लेकिन संजू वर्मा जी अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है जी, इनका वीडियो भी लीक हो गया लेकिन है 4 महीने पुराना, और सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहे हैं भाई लीक हो गया, हाय तौबा कयामत आ गई, और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष ने कहा है कि आप बिना रिपोर्ट सबमिट किए आपने वीडियो में बयानबाजी क्यों की? शोएब जमाई जी, मीडिया मस्जिद आपका हो ना हो स्टूडियो आप ले लीजिए, लीक क्योंकि आप ही बोलेंगे, हम तो बोलेंगे नहीं, मस्जिद आपका हो ना हो स्टूडियो आप पूरा ले लीजिए,
लीक करना और मीडिया में बयानबाजी करना ये फर्क है। अच्छा, मुस्लिम ये आप समझ आया आपको? बयानबाजी ये आप यहाँ आकर स्टूडियो में आपको समझ आया कि लीक और बयानबाजी में फर्क है। संजू वर्मा जी, ये फिर वहां वापस चले गए थियोरी ऑफ फवारा। पहले तो कहते हैं लीक, अब कहते हैं नहीं चार महीने से है, अब फवारा थियोरी आ गई है। जवाब दीजिए नाविका जी। हिंदी की एक मशहूर कहावत है, सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का। इंसान को कभी हारने नहीं देता। शोएब जमाई जाने माने अपने आप को स्कॉलर बोलते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि यदि शिवलिंग वहां है ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि शिवलिंग का जो एरिया है उसको सुरक्षित किया जाए, ये डीएम सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग नहीं माना है, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए सुरक्षित किया है सील, ताकि आपने तो 60 सेकंड बोला ना। अच्छा, आप उनको भी 60 सेकंड बोल लेने दें, अभी आपके 35 सेकंड बाकी हैं। मैं एक मिनट संजू वर्मा जी आपको भी रोकूंगी, अजय वर्मा जी आपसे भी दो मिनट चाहूंगी, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी प्रणाम। मैं आपसे आज काशी विश्वनाथ के बीच में जो इतना बड़ा देश में बवाल मचा हुआ है उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। एक वायरल वीडियो सामने आया है, उसे कहा जा रहा है आदि विश्वनाथ शिवलिंग है ये, दूसरा पक्ष इसे फव्वारा कह रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको ये क्या लगता है, फव्वारा या आदि विश्वनाथ शिवलिंग? काशी विश्वनाथ के संबंध में स्कंद पुराण का काशी खंड प्रमाण है। जिनको शंका हो कि विश्वनाथ जी नहीं है, वो ग्रंथ देख लें और उसको पढ़ लें, पढ़ कर समझ लें। वहां काशी विश्वेश्वर मंदिर का ही शिवलिंग है, वो दिखाई पड़ रहा है और ऊपर से सीमेंट लगा करके उसको फवारा का नाम दिया जा रहा है। फवारा नहीं है, भगवान का शिवलिंग है। बड़ा करो तो ये ऊपर से सीमेंट लगाने की जरूरत इनको क्यों पड़ी, और अब इस बात पर भी ये कह रहे हैं कि इनकी जीत हुई है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वापस वहां मुस्लिम समाज जाकर नमाज पढ़ सकता है। क्या ये इनकी जीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि शिवलिंग के आसपास जो है वो पूरा बचाव का कार्यक्रम राज्य की सुरक्षा बलों को करना चाहिए, तो ये अभी कोई जीत का सवाल है किसी भी तरफ के लिए? जीत का सवाल नहीं है, शिवलिंग ही है वो। सुप्रीम कोर्ट अभी पूरे तथ्य तक पहुंचा नहीं है, न उसको पूरा तथ्य बताया गया है, और उसको सुरक्षित कर देना चाहिए पूरे स्थान को। स्कंद पुराण का काशीखंड मंगा करके सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ ले, जिला कोर्ट भी पढ़ ले, हाई कोर्ट भी पढ़ ले। विश्वेश्वर भगवान का शिवलिंग है, उसको जो कहो सुरक्षित रखना चाहिए, और मुस्लिम समाज को हिंदू समाज के साथ सहृदयता बरतते हुए वहां से अपना अधिकार उठा लेना चाहिए। स्वामी शंकराचार्य जी, मैं ये भी पूछूंगी, आप लोग धर्म का भाव ही नहीं इतिहास भी जानते हैं। काशी विश्वनाथ में जो नंदी जी की प्रतिमा है उसके मुख को लेकर कहा जाता है कि वो हर वक्त शिवलिंग की तरफ ही देखती है। अभी जो शिवलिंग मिलने का दावा है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो इसी तरह है, तो क्या इस आधार पर ये माना जाए कि ये आदि शिवलिंग उसी जगह वजू खाने में है? उसको भी देखा जाए और जो जो सामने मलबा रखा हुआ मलबा घटवाया जाए, वहां भी उसका प्रमाण मिलेगा।
आपको पूरी तरीके से खाने में मलबा पड़ा हुआ है, उस मलबे को हटाया जाए तो ठीक नंदी के सामने प्रमाण मिल जाएगा। और आपके लाखों फॉलोअर हैं, आपके भक्त हैं, आपकी राय क्या है, ज्ञानवापी विवाद में मिल बैठकर मामले को सुलझाना चाहिए या कोर्ट को ही आखिरी फैसला मान लेना चाहिए? मिल बैठ के सुलझ जाए सबसे अच्छा है। 1994 से उसका मुकदमा चल रहा है, जो मुकदमा चला रहे हैं उन्होंने मुस्लिम समाज को काफी ऑफर किया है, मुस्लिम समाज उनके ऑफर को स्वीकार करके उस स्थान को खाली कर दे, इसमें ज्यादा दोनों पक्ष की भलाई है। पर आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि मुस्लिम समाज ऐसा करेगा? हमारा आग्रह है मुस्लिम समाज को करना चाहिए, करना न करना उसका अधिकार है। सदगुरु जगत गुरु जी शंकराचार्य जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, जो अब मुस्लिम समाज कह रहा है, कभी कहते हैं कि ये वीडियो लीक हो गया इस वजह से बाधा आई है कोर्ट के काम में, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये वीडियो तो 4 महीने पुराना है, पहले हिंदू पक्ष ने कभी कुछ नहीं कहा इसके बारे में, आज इसको शिवलिंग कह रहे हैं, ये वीडियो तब का है जब वहां की धुलाई हो रही थी, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो मैं विशेष नहीं कहना चाहूंगा, अगर 4 महीना पुराना है तो वही का वीडियो, दूसरी जगह का होता तब तो मान लिया जाता, अगर वही का जगह है तो चाहे 4 महीना पहले का हो 4 महीना बाद का हो वो वही सही माना जाए। जगत गुरु शंकराचार्य जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगी, अगर कोर्ट से ऑर्डर आता है और शिवलिंग की मानना होती है, मान्यता वहां पर होती है, तब तो हिंदू पक्ष बहुत खुश होगा, लेकिन अगर कोई विपरीत ऑर्डर आता है कोर्ट से तो उसे मान लिया जाएगा? देखिए, उसको हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि वहां का प्रमाण समाप्त नहीं हो जाता। पीछे की दीवार पूरी मंदिर की है, श्रृंगार गौरी का स्थान पूरा है, नंदी ठीक अपने इष्ट भगवान विश्वेश्वर की तरफ देख रहा है, हम उसके विपरीत किस आदेश को माने? उसके विपरीत आदेश का मानना हिंदू समाज के लिए अपमान का विषय है। तो आप फिर से अपील करेंगे? शंकराचार्य जी, आपने हमारे साथ बात की, हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं, आपकी बात सारे दर्शकों ने टाइम्स नाउ नवभारत पर सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, और हम जैसे ही कोर्ट की बात आगे बढ़ेगी आपसे दोबारा संपर्क करेंगे और आपसे सुनेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। अजय वर्मा जी, आपने सुना, प्रमाण सारे हैं, फवारा लग रहा है, फिर भी मुझे बात करने दीजिए। मैं बिल्कुल अजय वर्मा जी क्यों से सुनकर आपका जवाब लूंगी, क्योंकि आप तो अजय वर्मा जी की क्लास लेंगी ना? हाँ, प्रिंसिपल है वो तो। देखिए, आपसे ही शुरू करता हूं मैं, जहां आपने छोड़ा था कि पैलेसिस ऑफ वर्सेस एक्ट 1991 का सेक्शन 4(1) ये कहता था कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च या अन्य था वो रहेगा, ठीक है। आपने फिर कहा कि उसी का दूसरा पार्ट जो है सेक्शन 4(3)(a) के तहत अगर कोई जगह जिसको ASI, इसे एशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेट्स एक्ट 1958 के तहत लेती है तो वो अपने संरक्षण में लेगी और उसको अपने हिसाब से स्मारक घोषित करके जो 100 वर्ष से ज़्यादा होगा। शिमला में भी ऐसे ही 2007 में हुआ था, एक चर्च को लेके, और बड़ा फिर बवाल हुआ था। चलिए, अब आप यहाँ आ जाते हैं वापस पुणे इस कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, और इस पर
एक अनुमान के अनुसार और एक रिपोर्ट्स के अनुसार, हालांकि पर्सनल हम भी लग रहे हैं, हिंदुस्तान में 50 लाख के करीब मंदिर हैं और 7 लाख से ज़्यादा मस्जिद हैं। इस देश को और बहुत, ज़मीन के ऊपर चांद पर लोग जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, अब हम लोग तहखानों में जा रहे हैं। आस्था, देश आस्था सबकी है। मैं हिंदू हूँ, मैं पूजा करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, सारी चीज़ करता हूँ, नवरात्रि त्यौहार, लेकिन ये देश संविधान से चलता है। ये देश और हिंदुस्तान जो है, यहाँ का जो, अगर आप सोशल फैब्रिक को बरकरार नहीं रखेंगे तो इतना बड़ा विशाल देश है, 139 करोड़ का, संविधान से ही चल रहा है। संविधान किसने तोड़ा? नाविका जी, वही तो मैं बता रहा हूँ, तोड़ने की नहीं। संजू वर्मा जी ये कह रहे हैं देश संविधान से चलता है। आप उस संविधान से खिलवाड़ करेंगे? 1991 एक्ट का अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने कहा, आपने कहा देश संविधान से चलता है। अगर मामला कोर्ट में जाता है, नहीं नहीं, अगर अगर मामला कोर्ट में जाता है तो संविधान से ही चल रहा है। कौन सड़क पर? भारत में महिलाओं की जवाबदेही फिक्स है और है तो उनको बिल्कुल मौका है। 10 सेकंड में फाइनल कर रहा हूँ कि मेरा कहने का मकसद यह है, देश की सरकार के प्रधानमंत्री और देश की सरकार को इस विषय पे एक पक्ष रखकर बोलना चाहिए कि ये सब चीजें आप छोड़िए और देश को आगे किस तरह से बढ़ाना है। आप कैसे तय करेंगे? आप कैसे तय करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए? अगर प्रधानमंत्री ने कुछ कह दिया तो कहेंगे कोर्ट में मामला है, बीच में बोल दिया, कोर्ट को डायरेक्शन दे रहे हैं, और नहीं करेंगे तो बोलेंगे इनको बोलना चाहिए। संजू वर्मा जी, अजय वर्मा जी को जवाब दीजिए। आप तो मुझे बस इतना बता दीजिए, आप तो मुझे ये बता दीजिए, फवारा है या शिवलिंग? आप तो हिंदू है ना, पूजा पाठ करते हैं ना? कह रहा हूँ इतने समय से अगर हमारा शिवलिंग भी है वो कहीं पुराना है, सुन लीजिए, शिवलिंग है या कोई और चीज है, इसे तो आप एएसआई को और कोर्ट को तय करने दीजिए। यहाँ सभी लोग एएसआई बन रहे हैं, एएसआई बन रहे हैं, कोर्ट बन रहे हैं। संजू वर्मा जी, मकसद ये है कि उन 50 लाख मंदिरों को संवार कर, पूजा कर, शिवलिंग मंदिरों पर जल चढ़वाइए। संजू वर्मा जी, सबके ऊपर बांट दीजिए और यहाँ बैठ के संजू जी एजेंडा मत चलाइए और भगवान को भी पॉलिटिसाइज मत करिए। कभी आप हनुमान को पॉलिटिसाइज करते हैं, कभी श्री राम के नाम पर चंदा लेते हैं, अब आप शंकर जी को पॉलिटिसाइज। एक मिनट, संजू वर्मा जी का आप जवाब, नहीं नहीं नहीं, आप सत्ता छिन जाएगी ना, देखिए सत्ता छिन जाएगी किसकी? आपकी नहीं, देश की सरकार की, अगर अच्छा, भगवान नाराज हो गए तो। संजू जी जवाब दीजिए। नाविका जी, अभी ये मेरे को बीच में ना टोके, नहीं बिल्कुल नहीं टोकेंगे, हम दो महिलाएं हैं स्क्रीन पर और एक ही पुरुष है, हम रोक लेंगे इन्हें। आप तो रोक सकती है इन्हें, इन्होंने आपको प्रिंसिपल का दर्जा दे दिया, पर ये मेरे बीच में टोकने की इनकी बुरी आदत है। खैर नाविका जी, हमको ये कहावत कई सदियों से सुनते आए हैं कि सच का स्वाद तो बड़ा कड़वा होता है पर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, और सत्य यही है कि ज्ञानवापी के परिसर से शिवलिंग पाया गया लगभग 12 से 13 फुट का, और सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस शिवलिंग की सुरक्षा की जिम्मेवारी वाराणसी की पुलिस, सीआरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की है। इसका मतलब कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के होने का प्रमाण स्वीकार किया है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, बार बार असदुद्दीन ओवैसी और भिन्न भिन्न इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, अब मुझे बीच में आना पड़ेगा। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, अभी रुक जाइए, मैंने आपसे कम बोली है, बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। नहीं नहीं, आप पहले असदुद्दीन ओवैसी, इन्हीं की भी टीम है, वो मुस्लिम मुस्लिम, ये हिंदू हिंदू, उस हवन के लिए ये चाहते हैं कि अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी अनफेयर अनफेयर, ये इन्हीं की भी पार्टी है। चुनावी इंदू राहुल गांधी कार्यवाही नहीं हुई है बैरिस्टर साहब के खिलाफ, जितने आज तक इतने उनके बयान है। अजय वर्मा जी, इंद्रेश मेवाणी को 2500 किलोमीटर दूर तक जाते हैं। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा को आपके पास अरेस्ट हो जाएगा। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आपके पास कितने स्टेट हैं? दो ना बस, तो आप बोल चुके दो बार, नहीं नहीं, दो बार बोल चुके, उनके पास 15 स्टेट है, तो वो 15 मिनट बोलेंगे। 15 नहीं है, उन पर 11 है। अच्छा चलिए 11 मिनट बोलेंगी। संजू जी हाँ, बोलने दीजिए, हमारा दर्शक। एक मिनट, क्या तरीका है डिबेट का? मेरा दूसरा और सबसे अहम पॉइंट ये है, असदुद्दीन ओवैसी, नेताओं को तय करने दीजिए, बाकी हम जमीन पे जो तय कर लेंगे, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तरीका है आपका?
बीच में मत बोलिए मैडम, बोल रही है आपसे, ये क्या तरीका है? अच्छा ओवैसी बार बार ये कहते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ वर्कशिप एक्ट 1991 का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के अंदर वीडियोग्राफी और सर्वे की परमिशन दी। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से एक बात कहना चाहती हूँ, जो नाविका जी आपने भी इस बारे में काफी विस्तार में जानकारी दी है हमको कि एंशियंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजी का सर्वे बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं और मैं पूछना चाहती हूँ आचार्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी से, क्या ये दोबारा मैं बोलूं, ये अड़चने जो हैं कि ये वीडियो लीक हो गया, ये पुराना वीडियो है, ये वजू खान वजू होता है यहाँ पर, यहाँ फवारा है, ये शिवलिंग नहीं है, ये तमाम तरह की जो बहस सामने आ रही है, और कोई कह रहा है कि कयामत तक यहाँ मस्जिद ही रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यही बात अगर हिंदू कह दे तो आग लग जाएगी कि कैसे कह दिया, ये लोग तो कोर्ट को बोल रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, और ये मुसलमान पक्ष अगर बोल दे तो ठीक है, इस देश में डेमोक्रेसी है, माइनॉरिटीज की राइट्स हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा श्री राम जन्मभूमि का संविधान बेंच ने सर्वसम्मत फैसला दिया। 5 अगस्त 2020 को जब भूमि पूजन हो रहा था उस समय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ट्वीट करके कहा, बकायदे ब्लू टिक वाले ट्विटर हैंडल से ट्वीट है वो, कि ट्वीट करके कहा कि मंदिर तो बना लोगे, बचा के कब तक रख पाओगे? इस प्रकार की धमकी देने वालों को किस राजनीतिक दल ने ये कहा कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी भी उसी खांचे के हैं। मैं शोएब जमाई जी से कहूंगा, और वो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब बोल रहे हैं, मुझे 30 बरस हो गए काशी में रहते हुए, 30 इयर्स से मैं काशी में ही हूँ, एक एक गतिविधियों को एक एक चीजों को देखा हूँ, और किसी राजनीतिक दल के हम लोग मोहताज नहीं है। आचार्य सरस्वती जी, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा भाषा सुन रहा था, बोलने दीजिए। हाँ आचार्य जी, मैं छोटा सा सवाल, मैं शोएब जमाई बोल रहा हूँ, आचार्य जी एक छोटा सा सवाल है मेरा। अजय वर्मा जी ने आपने काशी में रहते हैं राजनीतिक रूप से, नहीं नहीं पब्लिक आपसे सवाल पूछ रही है, मैं हाँ। मैं पब्लिक का सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ शोएब जमाई जी। अतुल कुमार लखनऊ से पूछ रहे हैं कि शिवलिंग को फव्वारा बताने वाले एक भी व्यक्ति ने अभी तक चलते हुए फव्वारे का कोई फोटो या वीडियो नहीं पेश किया, तो अगर ये फव्वारा है तो फोटो दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए, क्योंकि शिवलिंग का फोटो तो आप हमसे ज्यादा बेहतर अपने पास पकड़े हुए हैं। इस मामले में मस्जिद कमेटी के जो सा जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि ये फव्वारे का आधा हिस्सा फाउंटेन, ये बहुत पहले यानी लगभग 30 से 35 साल पहले ही जो है टूटा पड़ा हुआ है, और उसी वक्त से जो है ये अनऑपरेशनल है, नंबर वन। नंबर टू, चूंकि अभी आचार्य जी कह रहे थे ये 30 सालों से वहां नहीं, तो फिर इसको ठीक कराने का कोई साइंस नहीं? हाँ, साइंस है, अभी वहां चेक किया गया है, उसमें बीच में डाल करके रॉड, तो लगभग यहाँ से 3 फीट तक वो अंदर चली गई है, यानी कि वहाँ एक बीच में पाइप है जिससे यहाँ मोटर लगा हुआ है। फवारा कैसे चलता था आचार्य जी हमें इन्हें समझा दीजिए, वहाँ फवारा कैसे चलता था, क्योंकि 30 साल से तो चला नहीं। झूठ, अभी अभी आपका झूठ बोलते हैं, सुनिए। नहीं सर, आचार्य जी सवाल तो पूछने दीजिए, आचार्य जी एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक सवाल से जो रिपोर्ट है आप जवाब दे दीजिए। अरे इनका फव्वारा तो बगैर मोटर के भी चलता है, अभी अभी बताता हूँ, शोएब जी सुन लीजिए जवाब। नहीं नहीं अभी आप सुनिए ना मेरा सवाल, फव्वारा तो आप एक हफ्ते ही जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं आप 30 साल से हैं वहाँ पे, नाविका जी रुक जाइए, आप 30 साल से हैं वहाँ पे, आपको नहीं आचार्य जी जब बोल रहे हैं तो सुन लीजिए, फिर सवाल पूछिए, दूसरा सवाल भी आप ही पूछेंगे, जवाब भी नहीं देंगे, बुलाया शोएब भाई, मैं बगैर तथ्य के बात नहीं करता। अरे मैं कह रहा हूँ आप 30 साल से वहाँ मौजूद थे, आपको पता नहीं था कि वहाँ पे शिवलिंग है,
तो जब शिवलिंग का आपको पता था तो आपने सिंगार गौरी के लिए क्यों कोर्ट में गए? शिवलिंग के चलिए जवाब दे रहे हैं आपने आचार्य जी 30 साल से आपने उसको शिवलिंग क्यों नहीं माना? आज निकल गया यहाँ से वीडियो आ रहा है तो आप कह रहे हैं आपने कभी शिवलिंग का वीडियो तो 4 महीने पहले निकला है। 4 महीने पहले 5 महीने पहले जब भी निकला आप 30 साल से है ना। चलिए शिवलिंग के सवाल का जवाब तो आप बताइए ना। इत्मीनान से अगर किसी को पता है एक मिनट छोटा सा आपने सवाल उनसे पूछा वो जवाब दे रहे हैं। सुनने का धैर्य रखिए। सवाल सुन लिया ना मेरा? सुन लिया उन्होंने सुन लिया। एक बार खाली दोहरा देता हूँ। नहीं नहीं स्वामी जी जवाब दे दीजिए जमाई के सवाल का जवाब। ये एक वाक्य में आपने दुनिया का कोई ऐसा फाउंटेन देखा है कि जो जल स्तर से 1.5 फीट 2 फीट नीचे हो? फव्वारा आधा हिस्सा है भाई नीचे हो। ये फव्वारे का आधा हिस्सा ये बेस है। इसके ऊपर 30 साल से 30-35 साल से ऊपर नहीं। कहीं भी यूट्यूब का आप वीडियो देख लीजिए उठाके। आपने देखा है जाकर? आप गए हैं? अरे यहाँ हमने नमाज पढ़ी है। नहीं आप गए हैं? हमने नमाज पढ़ी है। आपने आपने फाउंटेन को देखा है? इस मस्जिद में हमने कई बार नमाज पढ़ी। लेकिन वहाँ फव्वारा देखने गए थे? फव्वारा देखने गए थे भाई? जितने भी फव्वारे आप अभी देश भर में उठा के देख लीजिए उसका बेस है। दिवाकर चौबे ऋषिकेश लेकिन लाखन लाल एक मिनट सवाल पब्लिक का ये शो का नाम है सवाल पब्लिक का। पब्लिक के सवालों का जवाब और दिवाकर चौबे ऋषिकेश से लाखन लाल रायपुर से सवाल पूछ रहे हैं और इसके बाद मैं सीधा संजू वर्मा जी पर जाऊं। मेरा सवाल यह है कि ज्ञानवापी में अगर शिवलिंग नहीं फव्वारा है तो तालाब के बीचों बीच कैसे है और तालाब के बीचों बीच क्या नवाजी लोग वहां जाके अपना हाथ धो सकते हैं? मेरा सवाल है कि ज्ञानवापी में लगातार 3 दिनों तक सर्वे हुआ और बजू खाने में ही शिव होने के प्रमाण मिले हैं और अन्य स्थानों पर कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं, तो क्या इन आधे अधूरे अपूर्ण और अपरिपक्व आधारों पर ही सारे देश को बरगलाए जाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा? संजू वर्मा जी नहीं 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 एक मिनट पहले संजू वर्मा जी शोएब जमाई जी मैं चला लूं जी। संजू वर्मा जी जवाब दीजिए पब्लिक का सवाल है। दिखा रहा हूं जरा ये देखिएगा नाविका जी एक फोटो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं और बहुत प्रमाणिकता के साथ दिखा रहा हूं। वो समझ में नहीं आ रहा क्या है? ये पीछे के दरवाजे पश्चिमी सिंह द्वार को कैसे बंद करके बंद हो गया आपका? आपका फोन दिख रहा है ब्लैक स्क्रीन और व्हाइट खूबसूरत फोन है ये देखिए। आपको तो दिखेंगे नहीं वो दरवाजा दिख रहा है आपको? ये मस्जिद के पीछे का दरवाजा ये श्रृंगार गौरी की तरफ है ना? हाँ। यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। संजू वर्मा जी पब्लिक का सवाल है क्या देश को बरगलाया जा रहा है क्योंकि कोई कह रहा है शिवलिंग है कोई कह रहा है फव्वारा है? ये पब्लिक का सवाल है। संजू जी जवाब दीजिए। नाविका जी ये पीछे के जरा सिंह द्वार को देखिए अरे सरस्वती जी पर ही गुस्सा हो जाती है बेचारी। आचार्य जी संजू वर्मा जी का जवाब सुन लीजिए। या डिबेट पर हमको बुलाया मत कीजिए, बुलाया हमारा भी जो पक्ष है वो सुनने का धैर्य रखिए। जी जी बोलिए संजू। पहली बात तो ये सत्य को आप दबा सकते हो? 350 से ज्यादा सालों तक इस सत्य को दबाया गया। तथ्यों पर बात कीजिए ना। 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को और 1585 में काशी विश्वनाथ मंदिर को टोडरमल ने बनवाया था जो अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक था। और 1900 स्टूडियो पे नहीं है सुन लीजिए। वो स्टूडियो में नहीं है, आप स्टूडियो में हैं। थोड़ा सा आपको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हिंदू ही हो तो भी क्या हुआ? ये क्या बात? संजय वर्मा संजू होना जरूरी है पहले। संजू वर्मा पहली बात तो ये नाविका जी ये लोग बार बार दुहाई देते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। चलो मान लीजिए कि ज्ञानवापी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आता है। मेरा ये सवाल है कि आज चौत्र नवरात्र के चौथे दिन पर सिर्फ साल में
एक बार हिंदुओं को वहां जाकर गौरी सिंगार मंदिर में पूजा अर्पणा करने की परमिशन है। यदि 365 दिन जाकर हिंदू गौरी सिंगार मंदिर में पूजा अर्पणा करेंगे, मुझे बताइए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत रिलीजियस कैरेक्टर भला कैसे तब्दील। इस मामले में मुस्लिम पक्ष पहले कह चुका है कि आप दिन भर क्या, दिन भर में 5 बार 10 बार भी आप पूजा करें, रोजाना करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि श्रृंगार गौरी का जो वो मामला है वो मस्जिद के बाहर है। ये पिटीशन दाखिल हुआ था 1992 से वो भी बंद है, वो हमने नहीं लगाया, वो सरकार ने लगाया उस वक्त से, ये मुस्लिम पक्ष ने लगाया। मैंने एक सवाल पूछा था, मैंने सुनिए संजू वर्मा जी, मैंने एक सिर्फ सवाल पूछा था कि अगर आपको पता था कि वहाँ शिवलिंग है तो आप लोगों ने अब तक याचिका सिर्फ श्रृंगार गौरी का क्यों लगवाया था, शिवलिंग के नाम पर याचिका लगाते, यानी आपको कुछ नहीं पता था। अब कुछ ऐसा नहीं, नविका जी मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ, जवाब मिल रहा है ना, जवाब नविका जी जवाब दे रही है, सुन लीजिए, नहीं नहीं सुन लीजिए, अब जवाब मिल रहा है तो सुनेंगे नहीं। देखिए नविका जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 1992 से वहां पर जो ये पूजा प्रतिबंधित की गई है, मैं आपके चैनल से दावा करती हूं कि उसके लिए कोई रिटन ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है। वह वहां पर रुक जाइए, आप सुन लीजिए पहले, वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई और अपने आप ही बंद हो गई, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि श्रृंगार गौरी का दावा करते हैं शिवलिंग का क्यों, हमने वीडियोग्राफिक सर्वे की मांग ही इसलिए की है क्योंकि हमें तो पता है कि वहां पर क्या क्या है, आपको नहीं पता, आपके फैक्ट सही नहीं है, नहीं नहीं आपके गोल फोर्स शिफ्ट हो गए, मैं आपको दूसरी बात भी बताती हूं, आपने याचिका डाली श्रृंगार गौरी के नाम जी पर। मैं एक पॉइंट और रखती हूं, आप कह रहे हैं कि 1585 में बताती हूं, शोहेब जी सुनिए, नहीं नहीं शोहेब जी सुनिए, आप कह रहे हैं कि सुने ना, लॉजिकल बात है, तो मैं बता रही हूं, अगर आपको पता था कि वहां शिवलिंग है और इतनी बड़ी आस्था, आप बोलने दीजिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, शोहेब जी चिल्लाने से नहीं होगा, मेरी बात सुनिए, मैं बताती हूं ना, मैं बताती हूं 1585 आज कह रहे हैं, नहीं नहीं एक मिनट शोएब जमाई जी और शाहिद अली जी, एक मिनट शोएब जमाई जी और शाहिद अली जी, मैं आपको दिखाना चाहती हूं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहती हूं कि वो इस फोटो पर फोकस कर सकें अगर तो, और ये फोटो मैं आपको दिखाना चाहती हूं, ये फोटो अगर आप फोकस कर सकें इसके ऊपर, ये फोटो आप देखिए, ये है अजमेर शरीफ का दरगाह और यहां पर है फाउंटेन, फवारा जिसे आप कहते हैं, ये फाउंटेन जमीन से ऊपर है, ठीक है, ये फाउंटेन है अजमेर शरीफ का, ठीक है। अब आपको मैं एक और फोटो दिखाती हूँ, और ये फोटो है नाखोड़ा मस्जिद बंगाल में, कलकत्ता में है, ये भी अगर आप फोकस कर लें इसके ऊपर, ये देखिए, ये मस्जिद, ये भी ये पानी के ऊपर से यहाँ पर निकला हुआ है, आप इसका नहीं आधा हिस्सा तोड़ दें तो नीचे वैसे ही दिखेगा जैसा अभी वहाँ तो आप बंगाल में गए, यहाँ सब जगह फवारे बाहर आकर मोटर से चल रहे हैं, लेकिन एक फवारा है जो ज्ञान वापी का है, जो इस तरह से उसका साइंस अजमेर शरीफ नया है, अजमेर शरीफ नया है, परसों बना था। मैं शाहिद अली जी जलकूप है, नहीं नहीं शाहिद अली जी भी मुसलमान है ना, मस्जिद गए होंगे, उनसे भी जवाब ले लो, शाहिद अली जी नाविका जी, ये सारी बातें और बहस बेमानी हैं। मैं फिर कहूंगा, कानून का मुल्क है, कानून की बात करिए, कानून का राज होना चाहिए, कानून किसी भी तरह के सर्वे को, इस तरह की चीजों को मना करता है। आपने एक अभी बात तक तो नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया, वाराणसी का कोर्ट करा रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, तो कानून तो यही बता रहा है, भाई साहब आप कानून ही मान लीजिए, ना सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है सर्वे, ना हाई कोर्ट ने स्टे किया है, अभी उसका करेक्टर कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये भी पूछिए कि हमें रिटर्न ऑर्डर दिखा दे 1992, नहीं नहीं आप कह रहे हैं सर्वे
नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है। मेरी समझने में गलती है अजय वर्मा जी या शाहिद अली जी जो बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनकी समझने में गलती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में जो ये मामला चल रहा है जिसके तहत ये सर्वे हो रहा है उसको तो रोका ही नहीं, तो स्टे तो मिला ही नहीं, तो ये क्यों कह रहे हैं कि सर्वे कराना गलत है, ये सर्वे हो ही नहीं सकता? सुप्रीम कोर्ट है सबसे बड़ा कोर्ट, नहीं तो शाहिद अली जी को समझा दीजिए, शाहिद भाई है हमारे, ऐसा नहीं है, वकील भी है, उनको लौका है। सुप्रीम कोर्ट जब से गोगई साहब ने एक ऑर्डर करा उसके बाद वो राज्यसभा के सांसद बना दिए गए सुप्रीम कोर्ट के बाद, और उन्होंने स्वीकार कर लिया राज्यसभा का सांसद बनना, तो आप समझ लीजिए न्याय तो आप का। नहीं नहीं, आप पहले के चीफ जस्टिस पर भी सवाल उठा रहे हैं और आज के जज पे भी कि राज्यसभा बहुत छोटी चीज है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बहुत बड़ी चीज है और उनको वो स्वीकार नहीं करना चाहिए था, उनको लेना नहीं चाहिए था। इसलिए ये होता है कि जब उनकी पैगाइस कर जासूसी करेगा तो वहां कोई भी उम्मीद नहीं रह सकती। एक मिनट, आज अयोध्या वर्डिक्ट पर फॉर्मर चीफ जस्टिस पर सवाल उठ गए और जस्टिस चंद्रचूड़ पर जो मामला सुन रहे हैं उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपने सवाल उठाया है, ये क्या है जो कहते हैं, जो ये कहते हैं पूछा गया, भारत ने लिया नहीं लिया लाइसेंस और उनकी पीए को पैगाइस के तहत जब वो अजय वर्मा जी, मैं सबका फेडर डाउन कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट आप इस बात का जवाब दे दीजिए संजू वर्मा जी के ये आज के केस पर भी सुप्रीम कोर्ट पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए, ये क्या मानसिकता आज सबका फेडर डाउन संजू वर्मा, टीएन शेषन जब आए थे चुनाव आयोग, संजू वर्मा, अरे भाई आपकी बारी नहीं है भाई, सबका यहाँ पर फेडर डाउन कर दीजिए, ओनली संजू वर्मा। आज जो चीफ जस्टिस आए रमन्ना साहब, ये बहुत बड़े ऑर्डर कर रहे हैं, हमें इस पे कोई डाउट नहीं है। मेरा भी माइक डाउन कर दो। नाविका जी आपने सही बोला, जब कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि ताजमहल के मुख्य मकबरे के नीचे जो 22 कमरे बंद हैं, उन्हें खोला नहीं जाएगा, तो हम हिंदुओं में से किसी ने क्यों तक नहीं कहा, हमने कहा हम न्यायिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, पर हम इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला उसको सही मानते हैं और यदि विरोध करना होगा कानूनी तरीके से विरोध करेंगे। पर आप मुस्लिम समाज के जो रेडिकल तथ्य हैं उनकी आप मानसिकता देखिए, जब हिजाब का फैसला आया, जब इनके नैरेटिव के स्वरूप फैसला नहीं सुनाया गया, इन्होंने कहा कर्नाटक का हाईकोर्ट फैसिस्ट है, आज ये कहते हैं चंद्रचूड़ फैसिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट पर हम विश्वास नहीं रखते, इनका तो ये हाल है, माई वे और द हाईवे, इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, वाराणसी कोर्ट हो, आज आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हर काम संविधान से होगा कानून से होगा, आज आज पहले दिन की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट पर सवालिया निशान उठा रहे हैं और अयोध्या की जजमेंट पर भी अजय वर्मा जी ने उठाया, फवारे वाले उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी प्रसन्न नहीं है कि कोई ऐसा विवाद नहीं होता जिसका हल ना हो, अयोध्या का मामला अगर सुलझा है तो ज्ञान वापी का मामला भी सुलझ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की दलीलों को सुनकर एक ऑर्डर दिया है, उससे उम्मीद बनती है कि ज्ञान वापी को लेकर हिंदू पक्ष 350 साल की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए इस मामले पर फैसला होना जरूरी भी है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का नाम लेकर ज्ञान वापी के मामले को अब ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता, और जब सर्वे शुरू हो गया है तो सर्वे के बाद उम्मीद है कि कोर्ट अपना ऑर्डर भी देगा, जो कोर्ट ऑर्डर देगा वो सब पर उतना ही लागू होगा जितना अयोध्या का वर्डिक्ट। बस आज सवाल पब्लिक का शो में इतना ही, लेती हूँ आपसे इजाजत, नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट, पर जाइएगा मत क्योंकि आ रहे हैं न्यूज की पाठशाला लेकर सुशांत सिंह।